ऑडियो जंगल खबर एटा जनपद से, जहां लूट और चोरी की योजना बना रहे 5-7 अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ गए। पुलिस ने गिरोह बनाकर की गई 9 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। भारी मात्रा में चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोरी किए गए पीतल के बर्तन के साथ 24,200 रुपए मोबाइल व अवैध असलाह भी बरामद किया। बागवाला थाना अध्यक्ष रामकेश राजपूत व एसओजी प्रभारी अनुज चौहान की संयुक्त कार्रवाई में यह खुलासा किया गया है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार किए बदमाशों ने फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस में हुई घटनाओं को भी कबूल किया है। लूट करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये थाना बागवाला पुलिस और स्वाट टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। एक अंतर जनपदीय लुटेरों का गैंग और नकब जनपद गैंग पकड़ा गया है। इसमें कुल 12 मेंबर हैं, 5 की गिरफ्तारी हुई है। और ये जो मेंबर हैं फिरोजाबाद, एटा के रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ सिराधी जो थार हैं मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो एक अंतर जनपदीय गैंग है और कई जनपदों में इनका क्षेत्र बता हुआ है। ये भैंस चोरी, बकरा चोरी से लेकर के नकद जैन लूट की घटना कायद करते हैं। साथ ही साथ जो ट्रक जो चल रहे होते हैं जी रोड पर या अन रोड पर, पीछे से उसको चढ़ करके उनका सामान गिरा कर उसको उठाने का काम भी करते हैं। और ये 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 इसमें थाना दसान क्षेत्र के हैं और 2 तकबीर क्षेत्र रिजोर का है। और 7 तो ऐसे फरार चल रहे हैं। इनके द्वारा 9 चोरी घटनाओं का पकड़ किया गया है और उन 9 चोरी घटनाओं के माली बरामद हुए हैं। और इनके पास से आला नकब के साथ साथ तमंचा आदि चीज़ें बरामद हुई हैं। ये जो पूरा गैंग आपने क्रैक किया है, कुछ लोग इसमें फरार भी हैं, तो उनकी भी धरपकड़ की जा रही है? ये एक बादशाह नाम का आदमी है जो थाना की क्षेत्र रहने वाला है, जिसका गैंग लीडर है। पूरा गैंग चला रहा है, पिकअप लेके निकलते हैं लोग, उसमें 5-7 लोग गिरफ्तार सवार होते हैं। और ये पहले से ही रैकी करके टारगेट फिक्स कर लेते हैं और आकर के वहाँ पर नकब लगाते हैं, चोरी करते हैं, साथ ही साथ भैंस चोरी और बकरा चोरी का काम भी करते हैं। आपने जो अंतर जनपदीय गैंग बताया, कौन कौन से ऐसे जनपद थे जहाँ इन्होंने घटनाओं को कारित किया? ये भी बादशाह सिंह का जो बादशाह का जो मिला है अपराध, उसमें आपका आगरा का भी है, फिरोजाबाद का भी है, एटा है, मैनपुरी है। तो 4-5 जनपद अभी प्रकाश में आए हैं और इनका लंबा इतिहास है, उसकी पूरी जानकारी की जा रही है। थैंक यू।